आज विजयादशमी का पर्व है। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व। लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है, और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए, डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें हम देश की भलाई के लिए एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे, जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं वो भी एक संकल्प हो सकता है, मैं कभी खाना खाता हूं जूठा नहीं छोड़ूंगा ये भी संकल्प हो सकता है, मैं बिजली बचाऊं ये भी संकल्प हो सकता है, मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, ऐसा पवित्र अवसर, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए, उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है? सामूहिकता की शक्ति भगवान श्री कृष्ण को जब याद करें तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन सभी ग्वालों को उनकी लाठी के सामूहिक ताकत से उसको उठाने में उन्होंने साथ जोड़ा था। प्रभु राम जी के जीवन में देखें, समंदर पार करना था, पुल बनाना था, पुल ब्रिज बनाना था, सामूहिक शक्ति, वो भी अपने साथी के रूप में जंगलों से जो साथी मिले थे उनको साथ लेकर के सामूहिक शक्ति के माध्यम से प्रभु राम जी ने ब्रिज भी बना दिया और लंका भी पहुंच गए। ये सामर्थ्य सामूहिकता में होता है, ये उत्सव सामूहिकता की शक्ति देते हैं। उन शक्ति के भरोसे हम भी अपने संकल्पों को पार करें। प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें, अपने गांव गली मोहल्ले को जोड़े, एक आंदोलन के रूप में चलाएं, नो फर्स्ट यूज प्लास्टिक। और इसलिए इस प्रकार का विचार लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मुक्ति का हमारा अपना संकल्प होना चाहिए।